दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप किसी तरह के नई वीडियो के बारे में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिजी लॉकर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, मैंने प्ले स्टोर पे डिजी लॉकर ऐप सर्च करता हूँ। डिजी लॉकर ऐप का नाम सर्च करने के बाद मैं उसे डाउनलोड करने वाला हूँ। जैसे मैं उसे डाउनलोड करूँगा तो आपको उसके बारे में बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाए, रजिस्ट्रेशन किया कैसे किया जाए। और जो इशू डॉक्यूमेंट है, मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा था कि इशू डॉक्यूमेंट हम डिलीट नहीं कर सकते, तो डिलीट करके आप उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे इंश्योरेंस हो गया, हमें अपडेट करना पड़ता है, तो वो भी हम इसे अपडेट कैसे करें, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डिजी लॉकर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। जस्ट मैंने ये मोबाइल में ऐप ओपन किया है। साइन, अगर आपसे आपका पहला अकाउंट है तो साइन इन कीजिए, नहीं तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाइए। दोस्तों, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाने के बाद आपका फोन नंबर या आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। तो मैं फ़ोन नंबर डाला दोस्तों। डालने के बाद उसके ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आप उस अकाउंट पे साइन इन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे OTP आया डिजी लॉकर की तरफ से, और कंटिन्यू बटन क्लिक कीजिए और आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह वगैरह ऑल डिटेल्स आप फिलअप कीजिए दोस्तों। दोस्तों, आपको ये फिल करते हुए एक बताना चाहता हूँ कि जो इश्यू डॉक्यूमेंट है वो डिलीट करने के लिए ऐप जो आप यूज़ करते हैं डिजी लॉकर का, उसमें वो फीचर नहीं है। इसलिए आपको डिजी लॉकर का जो इश्यू डॉक्यूमेंट है, जिसमें हर साल कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, वो डिलीट करने के लिए आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा। डिजी लॉकर की वेबसाइट होगी digi.gov.in, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वहाँ पे जाने के बाद जस्ट इशू डॉक्यूमेंट डिलीट करिए और फिर ऐप में आके आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं जैसे स्क्रीन पे बता रहा हूँ, डिजी लॉकर की जो बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप करता हूँ और साइन इन बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आधार कार्ड पूछेगा। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा बाय वेरिफिकेशन। जैसे हम साइन इन करेंगे, वहाँ पे वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड बताएगा इश्यू डॉक्यूमेंट में। आधार कार्ड डालने के बाद दोस्तों फिर से एक ओटीपी आएगा उनकी तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि आधार कार्ड OTP आ चुका है, और नेक्स्ट प्रोसीजर हो गया हमारा, जो भी हम अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो उनके ऑप्शन में नीचे बता दिए जाएंगे कि आप पैन कार्ड अपलोड करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना चाहते हैं और एक्सेट्रा, और कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स रहेगी वो हम अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। तो पहले डॉक्यूमेंट ऐप ओपन करते समय आधार कार्ड ऑटोमेटिकली क्रॉस वेरीफाई हो चुका है और वो एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों पिन सेट कीजिए, कोई भी 4 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर।
जैसे कि वीडियो में बता रहा हूँ मैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इश्यूड डॉक्यूमेंट 1 करके बताया गया है और गेट